नमस्ते। पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के बिना संभव नहीं था। आज हम फिर हिंदी में बात कर रहे हैं, इसका कारण भी आप लोग ही हैं। हमने आपसे कहा था कि आप लोग का रिस्पांस, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, इसके ऊपर ही हम दोबारा बात करेंगे। तो अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों ने रिस्पांस दिया, ताकि हम आप लोगों के समक्ष आ जा सके। धन्यवाद एक बार फिर। तो आज फिर हम डॉक्टर राजगोपाल जी के 25वीं अध्याय का सेम हिंदी में बात कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि वो हिंदी में सुने। तो जैसा हमने आपको पहले बताया, पहले के वीडियो में जो हमने आपको कहा कि हम लोग लंबी सफ़र तय करके, जैसे हम लोग बाबा जी की गुफा पहुँचे, लोग अपने आप में नहीं थे, लोग जहाँ जहाँ खड़े थे वहीं वहीं बैठ गए और वहीं ध्यान में बैठ रह गए, अपने आप को पूरी तरह से ध्यान में मग्न कर लिए। और जैसा हमने बताया था आपको कि बाबा जी की कृपा, बाबा जी का आशीर्वाद हर लोगों के सर पर था, जो एक टॉर्च लाइट की तरह हम लोगों के ऊपर गिरा हुआ है, जैसा आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा है। तो लोग अपने आप में खो चुके थे, ध्यान में बैठ गए थे, उन्हें ये तक नहीं पता कि वो कहाँ बैठे हैं हर कोई। कुछ समय पश्चात जैसे वे लोग अपने आप में आए या अपने को खुद को उन लोग समझे, तब वे लोग अपने अपने जगह से उठे। तो सब लोगों को बाबा जी की गुफा के अंदर जाना था, स्वाभाविक है जिस चीज़ के लिए आए थे। तो हर कोई बाबा जी की गुफा में बैठकर ध्यान करना चाहता था। यही सोचकर हम लोग कुछ देर समय व्यतीत किए बाहर, चूँकि अंदर कुछ लोग थे और बाबा जी की गुफा बहुत बड़ी नहीं है, कुछ 10-12 लोग बैठ सकते हैं बस, और वहाँ चटाई बिछी हुई है ताकि लोग बैठकर ध्यान कर सके। तो हर लोग, हम लोग अंदर जाना चाहें, अंदर गए, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कि हर कोई अंदर बैठा हुआ है ध्यान करते हुए। तो जैसे हम लोगों ने अपना सर झुकाया अंदर जाने के लिए, तो जैसे डॉक्टर राजगोपाल जी ने कहा था कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, लगातार आंसू बहने लगे, क्यों, किस लिए, कैसे, कुछ नहीं मालूम, ना तो हम लोग उसको जानने का प्रयास ही करें। डॉक्टर राजगोपाल जी ने कहा है कि पता नहीं लोगों ने उस पर ध्यान दिया या नहीं, लोगों ने देखा या नहीं, वो नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी वही हुआ, आँखों से लगातार पानी बहता चला गया, शायद वो खुशी के आंसू रहे हों या और कुछ, जिसे समझ पाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है सामने की ओर डॉक्टर राजगोपाल जी बैठे हुए हैं, कुछ ऑरेंज सब, केवल उनके कपड़े का कलर दिख रहा है बस, और उसी लेफ्ट साइड में जैसे अगर आप देखते हैं बाईं तरफ, तो कुछ 5 या 6 लोगों के बाद केवल हमारा हल्का सा चेहरा दिख रहा है, कुछ लाल रंग सा दिख रहा है जो ओढ़नी हमने ओढ़ा हुआ है, हम वहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग कुछ देर ध्यान किए, डॉक्टर राजगोपाल जी के बगल में मिस्टर जयेश जी, जैसा उन्होंने कहा फिनिक्स से हैं वो, और नंद किशोर, वो लोग वहीं बैठे हुए थे, उनके साथ में ही बैठे हुए थे। अचानक नंद किशोर
का पूरा शरीर कांपने लगा। कंपन, कांपने का तात्पर्य कंपन, एक अलग ही एनर्जी उसमें, और जोरों से वो जैसे कह सकते हैं कि फड़फड़ाने से लगे, आवाज़ करने लगे। खैर, इस बात का जो वीडियो है हम लोग दूसरे में ज़रूर इसको पूरा हम लोग बताएंगे क्या है कैसा है। तो ऐसा हुआ क्योंकि जैसे ही हम लोग अंदर गए वहाँ की एनर्जी बहुत ही ज़ोरदार थी और इतना ठंडा अंदर, ऐसा लगा जैसे हम किसी बर्फ़ की दुनिया में घुस गए हैं। बिल्कुल ठंडा सा और आँखों से लगातार पानी बहता गया। हम लोग कुछ देर ध्यान किए, काफ़ी था, कोई ज़रूरत नहीं था कि वहाँ बैठकर हम कई घंटे ध्यान करें। अरे वहाँ की एनर्जी तो इतनी ज़ोरदार है कि आप 5 मिनट बैठेंगे तो भी कुछ 5 युग हो जाएंगे आपके लिए उस एनर्जी को प्राप्त कर। और ऐसा ही हुआ, वो एनर्जी हम लोगों के लिए काफ़ी था कई सालों के लिए। और जैसे ध्यान ख़त्म हुआ, धीरे धीरे हम लोग बाहर आए और बाहर आने के पश्चात तो जैसे हम लोग का तय था कि हम लोग हवन करें, तो हम लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ हम लोगों को हवन करना था अपने सब चीज़ों के साथ में। हवन के लिए हम लोगों ने जो टहनियाँ लेकर आए थे हम लोग सब उसे लाकर उसमें डाले और उसमें अग्नि दिए। अग्नि जोरों से जलने लगी और उसके बाद मंत्र का जाप, ये आप इसमें देख रहे होंगे हमारे वीडियो में। ओम सतगुरु बाबाजी नमः स्वाहा अंत हेळि एवरीबडि शुड फॉर दि लिटिल ओके 108 टाइम्स विल ट्राई टू टेल ओके एस ओम सतगुरु बाबाजी नमः स्वाहा 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 ओम सतगुरु बाबाजी नमः स्वाहा
ಓಂ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಜಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. 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 ಜೈಸಾ ಕಿ ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ ಕಿ ವೋ ದೇವ್ ಭೂಮಿ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ ದೇವ್ ಭೂಮಿ ಮೇ ಕಿಸಿ ಭಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಕಿ ಜರುರತ್ ನಹಿ ಪಡ್ತಿ ಔರ್ ಫಿರ್ ವೋ ತೋ ಬಾಬಾಜಿ ಕಿ ಗುಫಾ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಥಾ ಜಹಾಂ ಪರ್ ಐಸಾ ಕೋಯಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಿ ಜರುರತ್ ನಹಿ ಹೈ ಐಸೇ ಕೋಯಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಿ ಜರುರತ್ ನಹಿ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಬಿನಾ ಹವನ್ ಪೂರಾ ನಾ ಹೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಸೇ ಚೀಜ್ ಕಾಫಿ ಹೈ ಹರ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಮುಖ ಸೇ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಜಾಪ ಓಂ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾಜಿ ನಮಃ ಕಾ ಜಾಪ ನವಗ್ರಹ ಕಾ ಜಾಪ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಪ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಹವನ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಹವನ್ ಕಿ ಅಗ್ನಿ ಜೋರೋ ಸೇ ಜಲ್ ರಹಿ ಥಿ ಔರ್ ಜೋ ಸೂಖೆ ಪೇಡ್ ಪತ್ತೋ ಕೆ ಫೂಲೋ ಕೆ ಯಾ ಫಲ್ ಕೆ ಜೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಲೇಕರ್ ಆಯೆ ಥೆ ಅಪ್ನೇ ಸಾಥ್ ಮೇ ಸೂಖೆ ಸಬ್ಕೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಡಾಲ್ತೆ ಜಾ ರಹೆ ಥೆ ಮಂತ್ರೋ ಕಾ ಜಾಪ ಕರ್ತೆ ಜಾ ರಹೆ ಥೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಲಗಾ ಖೈರ್ ಇಸ್ಕಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಹುಯಿ ಹವನ್ ಕಿ ಆಹುತಿ ಭಿ ದೀ ಗಯಿ ಅಂತ ಮೇ ಔರ್ ಕುಚ್ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಜೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಥಾ ಜೈಸೆ ಕಾಜು ಹೈ ಬಾದಾಮ್ ಹೈ ಕಿಸ್ಮಿಸ್ ಹೈ ಔರ್ ಶಹದ್ ಹೈ ಘೀ ಹೈ ಯೇ ಸಬ್ ಮಿಲಾಕರ್ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಥೋಡಾ ಸಾ ಪ್ರಸಾದ ಕಾ ರೂಪ ದಿಯಾ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಜೋ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಚಾವ್ ಸೇ ಉಸೇ ಬನಾಯೆ ಹವನ್ ಹೋನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಉಸ್ಕೋ ಸಬ್ಕೋ ಬಾಟಾ ಗಯಾ ಭೋಗ ಲಗಾಕರ್ ಉಸೇ ಬಾಟಾ ಗಯಾ ಸಬ್ಕೋ ಉಸೇ ಖಾಯೆ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಚೂಂಕಿ ಹಮ್ ಲೋಗೋಕೋ ಸಮಯ ಹೋ ರಹಾ ಥಾ ಔರ್ ಜೈಸಾ ಹಮ್ನೇ ಬತಾಯಾ ಥಾ ಆಪ್ಕೋ ಕಿ ಯೇ ಜೋ ಸಮಯ ಥಾ ಜೋ ವಹಾಂ ಪರ್ ಚೂಂಕಿ ಜಂಗಲಿ ಜಂಗಲ್ ಕಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಔರ್ ವಹಾಂ ಜಂಗಲಿ ಜಾನವರ್ ರಹತೆ ಹೈ ತೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಲೋಗೋಕೋ ದಿನ ಢಲ್ನೆ ಕೆ ಪಹಲೆ ನೀಚೆ ಕಿ ಔರ್ ಆ ಜಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಥಾ ತೋ ಯೇ ಸೋಚ್ತೆ ಹುಯೆ ಹಮ್ ಲೋಗ ವಾಪಸ್ ಗುಫಾ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಔರ್ ಕುಚ್ ಲೋಗ್ ಥೆ ಜೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಸೇ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ ವೋ ಭಿ ಬಾಬಾಜಿ ಕಿ ಗುಫಾ ಮೇ ಕಿತ್ನಾ ಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಉಸ್ ಜಗಹ ಪರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇನಾ ತೋ ಜೋ ಲೋಗ್ ಭಿ ಬಾಬಾಜಿ ಸೇ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ ಸಬ್ ವಾಪಸ್ ಬಾಬಾಜಿ ಕಿ ಗುಫಾ ಮೇ ಪಹುಂಚೆ ಚೂಂಕಿ ವಹಾಂ ಪರ್ ಔರ್ ಪಹಲೆ ಸೇ ದೋ ತೀನ್ ಲೋಗ್ ಬೈಠೆ ಥೆ ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗೋಕೋ ಥೋಡಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ನಾ ಪಡಾ ಉಸ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಬ್ ವೇ ಲೋಗ್ ಬಾಹರ್ ಆಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ನೇ ಉನ್ನೇ ದೀಕ್ಷಾ ದಿ ಔರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ವೋ ಕುಚ್ ದೇರ್ ಚಲಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬಾಹರ್ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಜೋ ದೀಕ್ಷಾ ನಹಿ ಲೇ ರಹೆ ಥೆ ವೋ ಲೋಗ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಬಾಹರ್ ಬೈಠೆ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಪ್ಕೋ ಶೇರು ಜರೂರ್ ದಿಖ ರಹಾ ಹೋಗಾ ಇಸ್ಕಾ ಫೋಟೋ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಏಕ್ ಲೀಯೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಹಮ್ನೇ ಪಹಲೆ ಕಹಾ ಥಾ ಆಪ್ಸೆ ಕಿ ವೋ ಬಹುತ್ ಆಗೇ ಚಲ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ ಔರ್ ಹಮ್ ಲೋಗ ಉಸ್ಕೋ ಮತಲಬ್ ಫೋಟೋ ಉಸ್ಕೋ ಲೇ ನಹಿ ಪಾ ರಹೆ ಥೆ ಉಸ್ಕಾ ತೋ ಅಭಿ ವೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆರಾಮ್ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಥಾ ಹಮ್ ಲೋಗ ಜೋ ಭಿ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಉಸೆ ಉಸ್ಸೆ ಕೋಯಿ ಮತಲಬ್ ನಹಿ ಥಾ ವೋ ಆರಾಮ್ ಫರ್ಮಾ ರಹಾ ಥಾ ಔರ್ ಇಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಉಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಫೋಟೋ ಲಿಯಾ ಆಪ್ ದೇಖ್ ಸಕ್ತೆ ಹೈ ಯಹಾಂ ದಿಖ ರಹಾ ಹೈ ವೋ ಬೈಠಾ ಹುವಾ ಹೈ ತೋ ಹಮ್ ಲೋಗ ಕುಚ್ ದೇರ್ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿಯೇ ಔರ್ ಜೈಸೆ ಹಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಯಿ ತೋ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕರ್ಕೆ ಲೋಗ್ ಬಾಹರ್ ಆಯೆ ಆನೆ ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಕೇವಲ ಏಕ್ ಜೋ ಗುಫಾ ಥಿ ಖಾಲಿ ಗುಫಾ ಕಾ ಏಕ್ ಫೋಟೋ ಲೇನಾ ಚಾಹ ರಹೆ ಥೆ ವೋ ಲೇಕಿನ್ ಚೂಂಕಿ ಕೋಯಿ ನಾ ಕೋಯಿ ಅಂದರ್ ರಹಾ ಥಾ ಜಿಸ್ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ವೋ ಇಂತಜಾರ್ ಕರ್ ರಹೆ ಥೆ ಆಖಿರ್ಕಾರ ಜಬ್ ಸಬ್ ಬಾಹರ್ ಆಯೆ
जब गुफा खाली हुआ तो डॉक्टर राजगोपाल जी ने एक दो फोटो खींचा, और खींचने के पश्चात हम लोग वहाँ से निकालने की तैयारी किए और निकले। जैसे कि आने के समय बाबा जी गुफा, मतलब जाने के समय जिस प्रकार उबड़ खाबड़ की स्थिति, फिसलन की स्थिति जो दिखाई पड़ रही थी, वो बिल्कुल सेम वापस आने के समय भी था, क्योंकि नीचे उतरते वक्त थोड़ी और कठिनाई ही होती है। ऐसा ना हो कि पैर रखें और पैर फिसल के हम लोग नीचे गिर जाएं। तो इस प्रकार की स्थिति से निपटते हुए हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगे। हालांकि किसी की इच्छा नहीं थी कि बाबा जी की गुफा छोड़कर निकले, सभी कोई और कुछ समय वहाँ व्यतीत करना चाह रहे थे। सबकी इच्छा थी कि थोड़ी देर और बैठें, लेकिन चूँकि समय की कमी थी तो हम लोगों को निकलना ही था। हम लोग धीरे धीरे करके सब बाबा जी की गुफा से निकल कर नीचे की ओर आते गए। नीचे ऊपर उबड़ खाबड़ वहाँ के रास्ते को पार करते हुए हम लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मीना अग्री जी का परिवार रहता। तो हम लोग वहाँ थोड़ा देर रुके, वो चाय बना कर दी, चाय पिए, लकड़ी के चूल्हे में उस चाय का आनंद ही कुछ और था। तो हम लोग वहाँ से चाय पिए और हमारे बाबा जी का एक ट्रस्ट है, श्री महावतार बाबाजी सन्निधान सेवा ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है वो। तो हम लोगों ने उन्हें ये भी आश्वासन दिया कि जो उनकी बेटी है जो पढ़ रही है, अगर उनकी पढ़ाई के लिए कोई भी सहायता हम लोग कर सके तो हम लोग ज़रूर करेंगे। और उनसे भी हम लोगों ने यही कहा कि आप कुछ भी आपको चाहिए तो आप बेझिझक हम लोगों से कह सकते हो। सो इस प्रकार का सब होने के पश्चात हम लोग उस जगह पर थे जहाँ पर से हम लोगों को जीप में या पैदल जाना था, मीनागिरी का स्थान। हम लोग कुछ देर उनसे बात किए, चाय वगैरह पिए और उसके पश्चात हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ पहुँचते हम लोगों को जहाँ जोशी का गेस्ट हाउस था, वहाँ पहुँचते कुछ 5:30 हो चुका था। तो पहुँचने के बाद स्वाभाविक है कि सबको भूख लग रही थी। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही नारायण मामा को कह दिया था कि कुछ छोटा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह जैसे बना दें ताकि हम लोग बिल्कुल हल्का सा नाश्ता खाकर उसके बाद खाना खाएंगे रात को, तो वो अभी कुछ बनाए थे, उसको हम लोग खाए। और खाने के पश्चात जोशी का जो छोटा सा मेडिटेशन हॉल है वहाँ पहुँचे और थोड़ी देर हम लोगों ने ध्यान किया। फिर इधर उधर की बातें, अपने अनुभव सब होने के पश्चात रात को खाना खाकर जैसे लेटे, तो अचानक ही डॉक्टर राजगोपाल जी को एक मैसेज सा आया, क्योंकि इसका एक और भी कारण था कि जैसे लोग वहाँ ध्यान किए थे उनमें से कई लोग का सवाल था कि क्या बाबा जी यहाँ पर हैं, क्या बाबा जी थे यहाँ पर, या कि बाबा जी हम लोग को अपना दर्शन देंगे या नहीं, हम लोग को नहीं दे सकते क्या, ना जाने कितने सवाल। स्वाभाविक है कि ये सवाल हमारे और डॉक्टर राजगोपाल जी को भी के मन में भी था, लेकिन इसका उत्तर तो केवल बाबा जी ही दे सकते हैं और तो कोई नहीं। तो इसी प्रकार की जो बातें थी, अनुभव थे, ये सब होने के पश्चात जैसे हम लोग लेटने के लिए गए, अचानक डॉक्टर राजगोपाल जी को एक मैसेज आया, क्योंकि डॉक्टर राजगोपाल जी के मन में था कि क्या बाबा जी आप वहाँ पर थे। तो
अचानक ही उनको एक मैसेज आया कि कैमरे को निकाल कर देखो, फोटो देखो। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2008 में हम और डॉक्टर राजगोपाल जी बद्री, केदार वगैरह गए हुए थे, तो जैसे बद्री में हम लोग थे तो सेम प्रश्न, बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न हम लोगों के मन में आया था। और बाबा जी ने कहा था कि अपने फ़ोटो को देखो, फ़ोटो को देखो। समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर जैसे हम लोगों ने फ़ोटो देखा तो ये जो आप देख रहे हैं, एक ऊपर से गिरता हुआ जो एक चमक है, एक लाइट है, जो बाबा जी का आशीर्वाद था, दोनों के फ़ोटो में था ये, हम में तो फिर भी कुछ कम था, लेकिन डॉक्टर राजगोपाल जी के फोटो में बहुत ज़ोरदार था। तब हम लोगों को समझ में आया, अच्छा बाबा जी यहाँ थे, हम जब जहाँ बैठे थे तब बाबा जी ज़रूर यहाँ आए थे। बिल्कुल वही प्रश्न जब आज के दिन, या कहना चाहिए बाबा जी की गुफा जाकर आए उस दिन 24 तारीख की रात, वही प्रश्न उसी अंतरंग में फिर से उभरा, और फिर वही उत्तर बाबा जी के द्वारा कि कैमरा को निकाल कर देखो या फोटो देखो। समझ में फिर नहीं आए, लेकिन फिर भी उनकी अनुमति से हम लोगों ने अपने कैमरे को खोला और निकाला, फोटो निकाल कर देखे। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो खाली गुफा का जो फोटो लेना चाह रहे थे डॉक्टर राजगोपाल जी, उसका कारण अभी समझ में आया। कितने लेयर्स देखिए उसमें, कितनी तरंगे दिखाई पड़ रही है। बाबा जी थे यहाँ पर उस समय, जब लोगों को दीक्षा दी गई थी तब भी बाबा जी वहाँ पर थे, और बाहर आने के बाद जब डॉक्टर राजगोपाल जी ने फोटो लिया तब भी बाबा जी वहाँ पर थे। और ये तरंगे जो दिखाई पड़ रही हैं, इसके बीचों बीच एक हल्का सा फोटो जैसा दिखाई पड़ता है, अगर आप ध्यान देते हैं इसमें, तो वो स्वयं बाबा जी हैं। देखकर इतनी खुशी हुई, यही वो एक लाइट था जो हम लोगों को बाबा जी की गुफा में अंदर जाने के पहले हम लोगों के सर पर गिरा। और उसके पश्चात जब वहाँ कोई नहीं था, गुफा खाली था, तो ये गुफा खाली नहीं था, इसका मतलब बाबा जी वहाँ पर थे जब हम लोगों ने फोटो लिया। बहुत खुशी हुई, बाबा जी हर तरह से, हर प्रकार से, कहीं ना कहीं, कैसे भी, किस प्रकार भी, हम लोगों को दर्शन ज़रूर दे देते हैं। और ये दर्शन केवल हम लोगों को नहीं, हमारे ग्रुप के सभी लोगों को ये अनुभव हुआ होगा। हर लोग तो नहीं कह पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अनुभव को ज़रूर बताया। ये अनुभव हम लोगों को मिला। इस प्रकार के अनुभव काफ़ी हैं जो बाबा जी के द्वारा हम लोगों को मिलता है। और इस खुशी के साथ हम लोग रात को सो गए, क्योंकि हम लोगों को सुबह फिर निकलना था अगले दौरे के लिए, अगले पड़ाव के लिए कुकुचीना से निकलना था। किसी का मन तो नहीं था, लेकिन सब कोई भारी मन से बाबा जी की गुफा की ओर देखते हुए, तो सब लोगों की जो दृष्टि थी वहीं पर थी, उसको देखते हुए हम लोग आगे की पड़ाव के लिए निकले। नमस्ते।